नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बिया क्लासेस में। दोस्तों, यह वीडियो लेखपाल के कटाव से संबंधित है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेखपाल का जिस दिन एग्जाम हुआ था, एग्जाम के पहले एग्जाम तक होने तक क्या क्या चीज़ें हुई थी, कठिनाएँ। अब बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले भी थे और फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मॉक टेस्ट हुआ या पीसीएस प्री तक के अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद इस पेपर में अच्छा नहीं कर पाए और स्कोर अच्छा नहीं कर पाए। आखिर कारण क्या था, इतना गड़बड़ी होने का क्या कारण था, आखिर में क्यों ऐसा हो गया लोगों के साथ, जो एक्सपेक्टेड आपको नहीं थी जिस चीज़ का वो आपके साथ हो गया। आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं 75 जो लड़का तैयारी कर रहा था, जो लड़के अच्छे ढंग से जो मॉक टेस्ट के साथ तैयारी कर रहे थे, वो 75 प्लस स्कोर नहीं कर पाए। आखिर में कारण क्या था दोस्तों, लेखपाल को लेकर तरह तरह के अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि लेखपाल का जो रीजाम होगा, लेखपाल में धांधली हुई है। तो देखिए, धांधली लेखपाल में हुई है, व्यापक पैमाने पर हुई है, इसमें दो राय नहीं है। धांधली हुई है, व्यापक पैमाने से हुई है, इसमें दो राय नहीं है। पहला चीज क्या है, धांधली तो हुई है। दूसरा चीज, सामूहिक नकल, जिसमें धांधली भी हुई है, सामूहिक नकल भी हुआ है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस एग्जाम में जिस तरह से प्रशासन को सख्त होना चाहिए था, वो प्रशासन शक्ति नहीं दिखा पाया। अभी राजस्थान का एक रीट का एग्जाम हुआ था, वहां पे आपको 3 लेयर जो चेक हुआ था, 3 लेयर हुआ था प्रशासन के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, और जो वहां पे एसटीएफ के माध्यम से भी, क्या बोलते हैं कि वहां का जो मैनेजमेंट देख रहा था, उसके माध्यम से भी चेक हो रहा था। विदाउट स्लीपर शर्ट नहीं पहनना था, पारदर्शी पेन का यूज करना था। जैसे लग रहा था कि आपको सरकारी नौकरी दे रहा, जबकि वो एक एलिबिल टेस्ट था, टेट था, यानी कि आपको जब वो टेट क्वालिफाई करेंगे, जब तो आपको टीचर बनने की योग्यता हासिल करेंगे, इसके बाद जो एक पेपर होगा सुपर टेट जिसे बोलते हैं, वो आपको आपको जो जॉब नौकरी देगा। लेकिन इस एग्जाम में ना कहीं अच्छे से चेक हुआ, फॉर्मेलिटी बस हर जगह फॉर्मेलिटी आपको देखने को मिला। क्योंकि मैं भी एग्जाम दिया था और आपको बताने में बड़ा शर्म महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं गेट के बाद घुसा तो वहाँ पे सिर्फ मेरा एडमिट कार्ड चेक किया गया, फिर अंदर अलाउ कर दिया गया। इसके बाद बैग जमा हुआ, हम लोग सेंटर पर चले गए और सेंटर पे जो बच्चों का जो सीटिंग प्लान था, एक बच्चा यहाँ बैठा था, एक बच्चा यानी इस तरह कर दिया गया था, दो बच्चे यहाँ बगल में, ये सीट प्लान है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, एक यहाँ पे है, यानी एक सीट पे दो बच्चे बैठे थे, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, बच्चा नजदीक नजदीक। इसका मतलब साफ जाएगा कि बच्चे तो आपस में कॉपी करेंगे ही, ये भी एक चीज है। सामूहिक नकल बहुत समझ लीजिए कि इसमें जो लड़का पढ़ने वाला था, अपने मन से करने वाला था, इसमें जो है गड़बड़ कर दिया एग्जाम में, जो कम पढ़ा था वो इधर उधर करके अच्छा स्कोर कर ले गया। आइए, सबसे शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि शासन प्रशासन ने कैसा रवैया, क्यों 2,20,000 मात्र बच्चे बैठे थे एग्जाम में, इसके बावजूद ये हाल है कि आप एक क्लास में भूसा की तरह भर कर एग्जाम दिलवा रहे हैं। अरे भाई, एग्जाम दिलवाते आप, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, बीच में इतना गैप दे देते, या तो यहाँ गैप दे देते, यहाँ गैप दे देते, ताकि एक दूसरे से कोई बात नहीं कर पाता। लेकिन लगभग में 90% सेंटरों पे जो है सामूहिक नकल भी हुई है। धांधली तो हुई है, वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, जिस तरह से टीचर नकल गैंग जो भी है अपना लीक पेपर कराए हैं, जिस तरह से पर्ची मैच की है सेट डी का, तो देखा जाए तो धांधली भी बहुत अच्छी तरीके से हुई है, लेकिन इसके साथ सामूहिक नकल भी हुआ है। दोस्तों, आपको
पता होगा कि जब लड़के तैयारी कर रहे थे, दो बार से तीन बार एग्जाम का चेंज होना भी कुछ लोगों का माइंड डिस्टर्ब हुआ, इसके बावजूद ग्रामीण विकास से सिर्फ एक टॉपिक से प्रश्न पूछना योजनाओं संबंधित एकदम न्याय नहीं है। आप जब सिलेबस 8 चैप्टर दे रहे हैं, इसमें सिर्फ आप योजनाएं पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी बहुत बड़ा आपकी तरफ से मिस्टेक है, आयोग की बहुत बड़ी गलती है। उस पर से कम 7-8 क्वेश्चन गलत होना, 7-8 क्वेश्चन आपका जो आंसर गलत करना, ये भी बहुत बड़ी कमी आयोग की है, क्योंकि आपत्ति तो बहुत सारे बच्चों ने डाला है, लेकिन देखिए क्या होता है। अब आते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग कटाप को लेकर जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, री एग्जाम को लेकर बातें कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि री एग्जाम अब नहीं होगा, क्योंकि UPSI का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों पकड़े भी गए थे, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा इसमें धांधली भी हुई है, नकल भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं जब उसमें सरकार ने नहीं एग्जाम कराया तो इसमें आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आयोग के पास ना समय नहीं है। जब आप सरकारी नौकरी पीछे हम क्यों भाग रहे हैं, सरकारी नौकरी के पीछे हम भागने का कारण है हमें आराम की जिंदगी चाहिए, तो वो भी तो इंसान है, आयोग में जो बैठे वो भी तो इंसान, उनको भी तो आराम चाहिए। अगर वो अगर 12-8 घंटे ड्यूटी करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर काम टाइम से होने लगा, लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे भागने का कारण लोगों का यही है कि उसमें आराम है, सैलरी ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि टाइम से हर काम करना पड़ेगा आपको, जितने टाइम आपको टारगेट दिया गया उसको कम्प्लीट करना है, ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी, तो कई चीज़ें हैं। तो दोस्तों पेपर के दिन क्या हुआ था कि जिस दिन आपका पेपर था आप सेंटर गए, आपको कॉपी जो है बुकलेट मिला, आप जब बुकलेट देखें जो लड़का पढ़ा था, जो लड़का पढ़ा था 4 सेक्शन का है, पहला हिंदी, दूसरा मैथ और जीके मान लीजिए और ग्रामीण, ठीक। जब आप पास 4 सेट आपको मतलब जो बुकलेट आपको मिला तो उसमें 4 टाइप क्वेश्चन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो जो मैथ हिंदी का लड़का था, मैथ जो पढ़ा था, हिंदी मैथ पढ़ा था, जिसको अच्छी जानकारी थी, जब पेपर देखा तो उसे बहुत ज़्यादा सरल लगा। इस के वजह से मुझे लगा है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इतना इजी क्वेश्चन, जितना हम लोग समझे कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ गए थे, ऐसा है नहीं था, ऐसा मतलब था नहीं, बहुत सारे लोग जो पढ़ने में समझ लीजिए कि बहुत अच्छे थे, जो उनका मॉक टेस्ट बहुत अच्छा आता था, उन्होंने क्या किया, बहुत जल्दी उनको लगा कि अरे हिंदी बहुत ईजी है, मारते चले गए, इसको भी मारते चले गए, मैथ भी बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता मैथ में। अब देखिए इसमें करने कितना लायक था, अगर आप आराम से करते तो, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है अच्छे से नहीं किए, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि गलतियाँ बहुत ज़्यादा, हमसे भी गलती हुई है, क्योंकि जिस तरह से मैं एक्सपेक्टेड किया था कि इतना ज़्यादा नहीं कम नहीं होगा, लेकिन उससे ज़्यादा कम हो गया, तो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे लड़के जो पढ़ने वाले थे उन्होंने गलती किया है, और जो बहुत ज़्यादा तैयारी किए थे उनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई, देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि हमारे सर्कल में जितने बच्चे थे जो PCS लेवल पर बैठ के PCS तक निकाल चुके हैं, उनका इस पेपर में पता नहीं क्या हो गया, उनको कह रहे थे कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया, आप पेपर मेरा खराब चला गया। यहाँ तक कि जो ग्रामीण और जीके जीएस में भी उनका जो है अच्छा नहीं गया, मैथ में भी अच्छा नहीं गया, कट गया। तो इस तरह से देखा जाए तो हिंदी में आपका कम से कम 20 नंबर आपका एग्जैक्ट एकदम इजी था, 5 नंबर आपका थोड़ा सा बस डिफिकल्ट बोल सकते हैं उसको। मैथ भी यही हाल था, कम से कम 18 नंबर का बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, और 7 नंबर आपका जो कम मतलब डिफिकल्ट था। जीके में यही हाल है, कम से कम 18 नंबर आपका इजी था और 7 नंबर। देखिए ग्रामीण सबसे चीज गड़बड़ ग्रामीण हुई है, ग्रामीण में कई क्वेश्चन ऐसे थे, मुझे लगता है कि उसमें क्या किया था कि
इरर लिखने में क्वेश्चन टाइपिंग में, दो क्वेश्चन तो टाइपिंग में गड़बड़ कर दिया था, एक उजाला जो है उज्ज्वला उजाला करके था वो क्वेश्चन, एक था आजीविका ग्रामीण नहीं लिखा था, ग्रामीण जो है मिस्टेक कर दिया था, उससे बहुत लड़के जो है ग्रामीण न लिखने वजह से बहुत सारे गड़बड़ उसने कर दिए। तो इस तरह से 4-5 क्वेश्चन जो है उस आयोग के द्वारा गलती हुई, इसमें भी कम से कम 15 क्वेश्चन जो है इजी थे और 10 क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन थे। अगर देखा जाए तो देख लीजिए कितना हो रहा है आपका, 8, 8, 16, 16, 5, 21 को 2, 3, 4, 5 पांडु, यानी कि अगर आप कितना भी गलती करिए 71 नंबर आपका आ सकता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बता नहीं सकता हूं कि 65 तक आ गए हैं, 62 तक आ गए हैं, बता रहे हैं कि पता नहीं एग्जाम में क्या हो गया। तो इस एग्जाम में पता नहीं क्या हो गया दिमाग लोगों का जो है एकदम, जो ज्यादा पढ़ा था उसकी बात कर रहा हूं, जो कम पढ़ा था मीडियम पढ़ा था एवरेज पढ़ा था वो तो अच्छा कर गया इस एग्जाम में, लेकिन बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ लिए थे 8-8 घंटा 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़े थे उनका पेपर एकदम इसमें अच्छा नहीं गया है। इसमें दो राय नहीं है कि बहुत ज्यादा दुख होता है जब आदमी पढ़ता है और उसका सिलेक्शन न हो, क्योंकि परिवार से लेकर समाज तक की जो ताना और समाज घर से लेकर जो चीज़ें उनको सुनने को मिलती है वो बड़ा दुख होता है। क्योंकि जब आदमी 5-5 घंटा 6-6 घंटा पढ़ता है फिर सिलेक्शन न हो, एग्जाम में जाकर गड़बड़ी कर देना, गलती कर देना, कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है दिल से। तो देखा जाए तो 71 नंबर आराम से आपका आ सकता है, 71 नंबर एवरेज मान के चलिए। तो फाइनल कटा मुझे लग रहा है एवरेज हम निकाल सकते हैं, एवरेज 71 है, औसत हम 71 मान के चल रहे हैं। तो जनरल का मान के चलिए 75 से नीचे तो आप सोच मत सकिए, 75 से 80 जा सकता है, 75 से 80 जा सकता है। ओबीसी का भी यही हाल है, ओबीसी में भी बस सोचिए कि तो बहुत ज्यादा कम जाएगा, इसका भी वही हाल है, 75+ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि एवरेज में 71 नंबर लड़के ला रहे हैं, मैक्सिमम लड़के 71 नंबर ला रहे हैं। जिनका पेपर गड़बड़ा गया वो तो मानी उनकी छोड़िए, जो लड़का अच्छा करके आया जो कम पढ़ा था जो भी है जिसका किसी तरह सामूहिक नकल के माध्यम से चाहे वो किसी के माध्यम से आ रहा है उसका 71 एकदम कहीं नहीं जा रहा, उसका 71+ जो है क्वेश्चन में आ रहा है। एससी का देख लीजिए, एससी का कम से कम आपको मान लीजिए इसमें 74 या 73 कर लीजिए, 2 नंबर घटा दीजिए, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा आपको, 73+ वालों का सिलेक्शन सुनिश्चित है इसमें 100% इसमें। और एसटी में मान के एसटी में चूंकि सीटें कम थी तो कैंडिडेट भी कम थे, इसमें मान लीजिए 65 बहुत ज्यादा 5 नंबर कम ऐसी हो सकता है इसमें, क्योंकि एसटी में लड़के कम थे, एसटी में लड़के कम थे तो मेट भी कम जा सकती है और सीटें भी कम थी, लेकिन लड़के कम थे तो मेट अपमान के लिए कम जाएगी, 65-55 भी जा सकता है इसमें, 55 भी जा सकता है इसमें, कोई सही नहीं क्योंकि लड़के बहुत कम थे। आया गर्ल्स का, चलिए गर्ल्स का, फीमेल का, फीमेल में भी मान के चलिए कि 70 से नीचे तो आपका आएगा नहीं, गर्ल्स में मान लीजिए 70 से नीचे होगा नहीं, ठीक। और भी जो चीजें हैं जैसे फिजिकल हैंडीकैप वाले हैं, एक्स सर्विस वाले, एक्स मैन सर्विस वाले हैं, उनका तो 60-62 तक हो जाएगा, 65 तक भी जा सकता है, तो 65+ उनका मान लीजिए 65+ तक हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा फुल एनालिसिस इस पर हमने किया था और किस तरह से हम कहाँ गड़बड़ी कर दिए आपको इस चार्ट के माध्यम से पता चल जा रहा है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट जब हो जाते हैं, जब हमको लगता है कि हमें सब कुछ आता है, प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है मार खा जाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस करना भी छोड़ दिया था, इसका भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा एग्जाम में। दिल से बता रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि ये वीडियो आपको बता दूँ,
बनाकर बता दूं कि कटाक्ष कितना जा सकता है और क्या क्या कमियां हुई इसमें, और रीजाम के बारे में तो सोच मत सकिए, रीजाम कभी नहीं हो सकता है आपका, नो रीजाम। कितना भी आप आंदोलन कर लीजिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार आपकी नहीं सुनेगी, उनको जो करना वो करेंगे। अगर उनको लग रहा है कि इसमें धांधली हुई है तो कर सकते हैं, लेकिन आप जो कहेंगे वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब एसआई यूपीएसआई में नहीं सुने, शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन का जो घोटाला हुआ था उसमें नहीं सुने, तो हमारी आपकी बात नहीं सुन सकते। तो चलिए इधर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।